हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगी कि बुगनवेलिया पौधे में आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर किस तरह से ले सकते हैं। देख रहे हैं आप, मेरा पूरा पौधा फूलों से भरा हुआ है। देखिए आप किस तरह से। तो इसके लिए आपको कौन सी खाद देनी है उसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको लेनी है वर्मी कंपोस्ट, उसके बाद आपको लेना है नीम खली, उसके बाद ये है मेरी किचन की खाद है, किचन वेस्ट की खाद है, ये है सूखे केले के छिलके, ये हल्की सी राख, क्योंकि राख पोटाश का बहुत अच्छा स्रोत होता है, और ये थोड़ी सी मेरी है हल्दी जो फंगीसाइड का काम करती है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसकी गुड़ाई कर दूँगी बगल बगल से। इस तरह से मैं गुड़ाई करने के बाद इन सबको मिक्स कर लूँ। सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें केले के छिलके। और फिर मैं इन सबको मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको चारों तरफ से चारों साइड में मिला दूंगी। आपको ये ध्यान रखना है कि जड़ से थोड़ा दूर ही बनाकर आपको इसको देना है। क्योंकि बोगनवेलिया पौधे को नाइट्रोजन से ज़्यादा फास्फोरस और पोटास की ज़रूरत होती है, इसलिए अपन को इसमें नाइट्रोजन की बजाय फास्फोरस और पोटास वाली खाद देनी चाहिए, क्योंकि केले के छिलके में पोटास की मात्रा अच्छी होती है और राख में भी फंगीसाइड का काम करती है और इसमें पोटास भी भरपूर मात्रा में होता है। तो इस तरह से आप अपने बोगनवेलिया पौधों में इस तरह से अपनी खाद दे सकते हैं। ये गर्मी पसंद पौधा होता है, इसे ये गर्मी पसंद पौधा होता है और यह पूरी साल फूल देता है। थोड़ी हल्की सर्दी में इसकी ग्रोथ रुक जाती है। इस तरह से आप इसको खा दे सकते हैं। तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़े। आप सभी को ढेर सारा प्यार। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। थैंक यू।